के बाद है, लखन कहे हुमुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आप तो अपने यश का गान करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आप तो अपनी बड़ाई करने में जरा सा भी शर्मा नहीं रहे हैं। आप तो अपने ही बड़ाई अपने मुंह से किए जा रहे हैं। आप में संतोष भी नहीं है। नहीं संतोष होता पुनि कछु कहूँ, जनी विस रोकी दुसै दुख सहू। आप में संतोष नहीं है, इसलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी दे इतना पाबहु शोभा। वो कहते हैं, जो वीर होते हैं वो व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। वह मुंह से नहीं कहते हैं, उन्हें जो करना होता है वह करके दिखाते हैं। सूर समर करनी करही कही ना जाना वही आप। वो आगे कहते हैं कि वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना गुणगान करते हैं। विद मान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपनी बड़ाई करने वाले लोग कैसे होते हैं? कायर। आप भी यहाँ पर कायर की भांति बात कर रहे हैं और आप मेरे सामने बार बार अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। ये किसी वीर व्यक्ति को शोभा नहीं देता।